नाउ स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन और डिवाइडेड बाय यू कैन से sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ये गिवन है। ओके, तो इसका हम लोग करते हैं, हम लोग के हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी। पहले तो देखिए कि cos आपका 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos 60 होता है आपका 1/2 के इक्वल, मतलब कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर 4 मल्टीप्लाइड बाय sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो sec 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 2√3, जिस मीन्स की 2√3 का आपका पूरे का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री इसका पूरे का होल स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग आ गया 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना फॉर्मूला के भी हो सकता है। बिना फॉर्मूला के कैसे हो सकता है, एक आइडेंटिटी होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको पता लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। थीटा शुड बी सेम, जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी सेम होनी चाहिए, ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में हम लोग का जो थीटा है वो सेम है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, दिस मीन्स कि यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू इजीली लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 होता है। तो आप सिंपली यहाँ पर इसके जगह पे 1 लिख दीजिए और साथ में ये फॉर्मूला लिखना है कि हम लोगों ने इधर फॉर्मूला इसमें यूज करें। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाइड बाय, वैसे अगर आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने साइन 30 की वैल्यू लगाई, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर आपने कॉस 30 की वैल्यू लगाई, फिर आपने स्क्वायर कर दिया। बट ये जो है थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर आप इसको यूज करेंगे, लेकिन गलत ये भी नहीं है, और अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो वो भी नहीं, दोनों पर चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ। 5 डेंसिटी 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 एंड जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि मेरे को बताया था कि रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है। नाउ माइनस 1 अपॉन में आपका 1, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का इधर 1, कुछ नहीं एम की 1 है। आप आपको इसको लाइक टाइम में चेंज करना है या फिर आप ऐसे लेके कर लो जैसे आपको सही लगेगा, तो मैं इसको लाइक टाइम में ही चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा ही सही रहेगा आपके लिए। 4 एंड 3 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, दिस मीन्स आई वांट 12 फॉर द डिनोमिनेटर्स। तो इस 4 को 12 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/12 प्लस ऐसे ही आपको 3 को क्या करना है, आपको 12 में चेंज करना है, दिस मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 4। तो 4 से करते हैं इसको, तो ये तो 12 बन गया, 16 को जब 4 से करेंगे उसको माइनस करना आपको, तो ये हो जाएगा आपका 9 और इधर 779 माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 7 एंड 6 67/12। सो योर आंसर इज 67/12। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे के आंसर्स के लिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसको देखिए।